अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए बन परोठा, जो इतने फ्लफी इतने क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, आप देख सकते हैं। आप ज़रूर बनाना बन परोठा को। आप कोई भी सूखे सालन के साथ में खाइए। हम खाएंगे ढाबा स्टाइल पंजाबी गाजर आलू मटर। इसकी रेसिपी भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। और हमारे बन परोठा आप देख सकते हैं इतने क्रिस्पी इतने खस्ता बन के तैयार हुए हैं। आप ज़रूर बनाइए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द नूडल्स किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। परोठा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बोल लेंगे। बोल के अंदर ऐड कर देंगे एक एग, 2 टीस्पून पिसी हुई शक्कर, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून के जितना दूध, 1 कप पानी ऐड कर देंगे इसमें। मिलाएंगे अच्छे से, अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। 1/2 किलो मैदा ले लिया है। मैदे के अंदर एक डाल देंगे सारा मिक्सचर जो हमने अभी बनाया था। गूंदेंगे, हाथों में थोड़ा सा तेल लगाते हुए, इसमें थोड़ा सा तेल डालते हुए हम गूंदेंगे 8 से 10 मिनट। स्ट्रेच करते हुए हमें गूंदना है 10 मिनट। दस मिनट गूंदने के बाद में हम इसको रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए। 2 घंटे के बाद में आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट और इतना रहेगा। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इतने हम पेड़े बना लेंगे। ऑयल ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा ऊपर से इस पे। रख देंगे 1/2 घंटे के लिए हम ढक के। 30 मिनट हो गए। अब हमने एक पेड़ा ले लिया है, उसको हम इस तरीके से बढ़ाएंगे हाथों की मदद से। आप चाहें तो आप बेलन से भी कर सकते हैं। आसानी से बढ़ रहा है हमारा आटा, माशाल्लाह बहुत अच्छे से गूंदा है। प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा पहले तेल डाल दें और फिर इसके ऊपर ये पेड़ा रखें, जिससे ये नीचे से चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमें प्रेस करते हुए इसको बढ़ाना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बढ़ रहा है। इतना बड़ा आप फैला लें, इसको ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। हाथों की मदद से ईजिली हो जाता है, कुछ भारी नहीं है ज़्यादा। अब इसको हम साइड से तरीके से हम टर्न करेंगे, इसको रोल करेंगे। साइड्स को इसके पैक कर देंगे। प्रेस करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ जाए। इतना साइज हमें रखना है। ऐसे करते हुए हम सारे अपने पेड़ों का बेल लेंगे और बना लेंगे। एक और का आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको बेलना है हाथों की मदद से। ऐसे करते हुए इजीली होता है।
इतना बड़ा आपको बेल लेना है और साइड से आप इस तरीके से इसको टर्न करेंगे, इसको टर्न करेंगे। एक पैन में हमने ऑयल डाल दिया है और ऑयल के गर्म होने पे हम रख देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। चेंज कर देंगे हम साइड। कितना अच्छा कलर आ गया है। हमें और सेकना है इसको कम फ्लेम पे ताकि अंदर तक का भी कुक हो जाए। चेंज करेंगे इसके साइड को। इस तरफ से भी इसके साइड्स को हमें पकाना है ताकि यहाँ से भी कच्चा नहीं रहे। हमने इस तरफ से भी अच्छे से सेका और इस तरफ से भी इसको अच्छे से सेका और इसको साइड से भी हमने सब सेका है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। ऐसे करते हुए भी सेकना है ताकि इस साइड से भी ये हो जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसके लेयर्स आए हैं बन परोठे के। ऐसे करते हुए हमें सारे बन परोठे को बेलना है और सेकना है। जाएगा तो हमें इसको ऐसे इस तरीके से मारना है ताकि इसके लेयर्स अंदर तक के खुल जाए और गर्म गर्म में ही हमें इसको ऐसे करना है। देखिए बहुत अच्छे से सीख चुका है ये। ये हमारे बन परोठा बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस। आप ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे सूखे सालन के साथ में खाइए, ग्रेवी के साथ में खाइए, इतने लजीज बनके तैयार होते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द नूर्स किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। परोठा आप देख सकते हैं इतने क्रिस्पी, इतने खस्ता बनके तैयार हुए हैं। आप ज़रूर बनाए।